नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में हो रहे कुंभ मेले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, कुंभ मेले को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें, निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई है। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कुंभ मेले की वजह से भी कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। कुंभ मेले में अब तक 50 संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में मेला क्षेत्र में 9 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही साथ कुंभ नगरी हरिद्वार में 14 अप्रैल के मुख्य शाही स्नान के बाद अखाड़ों की छावनियों में कोरोना का कहर तेजी से अपना कहर बरपा रहा है और अब कोरोना संक्रमित संत सन्यासियों की लिस्ट सामने आने लगी है। पिछले 24 घंटे में जूना निरंजनी और आवाहन अखाड़े में 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सन्यासी अखाड़ों और बैरागी शिविरों में अब तक 50 संत कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि एक महामंडलेश्वर का कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से निधन भी हो चुका है। बता दें, हरिद्वार जिले में पिछले 24 घंटे में 629 कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें से 153 श्रद्धालु शामिल हैं। श्रद्धालु की पहचान स्क्रीनिंग सेंटर्स में कर ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कुंभ मेले को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई है और बड़ा फैसला जो है कुंभ मेले को लेकर लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से तस्वीरें कुंभ मेले की सामने आ रही है, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं, शाही स्नान हो या कुंभ का अन्य कोई और दिन हो, उस दौरान श्रद्धालु भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर हर किसी की नजर पड़ रही है और सवाल उठ रहा है कि हरिद्वार में इतनी भीड़ जो है वो क्यों जुट रही है। इसी को लेकर हो सकता है आज बड़ा फैसला सीएम तीरथ सिंह रावत ले सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।